आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रिजभूषण ने जो बेउद्गी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो है, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15-17 अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और बाकी मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आपने सब देख लिया है प्रक्रिया, उसकी भी बेउद्गी देख ली है, वापस से वो ना आएगा, नहीं आएगा तो बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर होगा। बात और कहना चाहूंगी लास्ट कि मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहने आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। ब्रिजभूषण ने जो बेउद्गी की वो सब पूरे देश ने देखा। ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। वो मेरा सपना पूरा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। ब्रिजभूषण ने जो बेउद्गी की वो सब पूरे देश ने देखा। ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। वो मेरा सपना पूरा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं।